नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम यूसुफ एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खसूसी खबर। हैदराबाद सीपी अंजनी कुमार ने आज ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन का दौरा करने के बाद साउथ जोन चार मीनार का भी दौरा किया। इनके साथ आला अहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने अपनी खुशी का इजहार किया, पीसफुल ईद मनाने पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी। देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख हुसैन की ये रिपोर्ट। सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप सबको ईद उल जोहा की मुबारकबाद। आज यहाँ चार मीनार पे हमारे साथ हमारे सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी एसबी और सभी सीनियर ऑफिसर्स ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन होते हुए आज हम लोग यहाँ दौरा पे आए और बहुत खुशी हुई कि बताए हुए तरीके से हमारे सभी भाई लोग सेफ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग को का एहतियात बरतते हुए बकरीद फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह मस्जिदों में नमाज भी अदा हुई और उसके बाद कुर्बानी का के समय भी सभी लोग प्रिकॉशन लेते हुए कुर्बानी किए। एक बार फिर सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाले समय में एक बार फिर मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम आने वाले 2-3 महीने में चेहरे पर मास्क जरूर रखें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें और कोशिश करें कि बाहर ज़्यादा ना निकलें। घर में बच्चों और बुज़ुर्गों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने की का समय है अभी और उस पर भी ज़रूर सब लोग ध्यान दें। थैंक यू सो मच। एक्टिव न्यूज चैनल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our